राष्ट्रीय मनुष्य न्यूज लाइव में और सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बिहार, ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर। सिवान जिले के सराया थाना क्षेत्र के निजामपुर में ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी ऐसी कि सभी एक तिलक समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान सराया थाना क्षेत्र के निजामपुर के पास एक अनियंत्रित ट्रक से पिकअप वैन की टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आनंद फानंद में पिकअप से लोगों को निकाला गया। एएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। वही सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास यादव ने बताया कि घटना के संबंध में डीएम रंजीता ने मोबाइल पर बातचीत भी की है। मुआवजे की हो रही है मांग। जी हां, मृतकों के परिजनों को अविलंब सहायता राशि देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मृतक का परिवार बहुत गरीब है। एम्बुलेंस के अलावा लोगों ने अपनी गाड़ियों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कई घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। हादसे वाली जगह पर जिले के कई बड़े अधिकारी पहुंच गए। सड़क हादसे की वजह से हाईवे पर घंटों तक जाम जैसी स्थिति बनी रही। घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को हटाने का काम भी चल रहा है। मृतकों की सूची इस तरह है कि शिवराम उम्र 22 साल, पिता स्वामीनारायण राम, अजित कुमार उम्र 12 वर्ष, पिता अजय राम, विकास कुमार उम्र 21 वर्ष, पिता सुरेंद्र राम, ब्रजेश कुमार उम्र 15 वर्ष, पिता मनोज राम, मनु कुमार उम्र 17 वर्ष, पिता दुर्गा लाल राम, साहब हुसैन उम्र 18 वर्ष, पिता महबूब अली, लाल बाबू राम उम्र 19 साल, पिता कृष्णा राम। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।